राजनीति में अल्पसंख्यकों का प्रतिनिधित्व उतना नहीं है जितना उन्हें मिलना चाहिए। हालांकि उन्होंने राकंपा में मुस्लिमों के प्रतिनिधित्व के बारे में कहा कि उनकी पार्टी के सांसदों में से दो मुस्लिम समुदाय से हैं। मुस्लिमों की समस्याओं का हल निकाला जाना जरूरी है। हल के लिए उनकी चिंताओं पर चर्चा और विचार विमर्श करने की आवश्यकता है। विदर्भ मुस्लिम इंटेलेक्चुअल फोरम की ओर से तुली इंटरनेशनल होटल में भारतीय मुस्लिमों के सामने उत्पन्न समस्याएं विषय पर कार्यक्रम हुआ। मुख्य वक्ता शरद पवार थी, अध्यक्षता डॉ. अजीज खान ने की, एडवोकेट फिरदौस मिर्जा, विधायक सुनील केदार, डॉ. आरिफ खान, राजा बेग, पूर्व मंत्री रमेश चंद्र बंग, सतीश पेंदाम उपस्थित थे। विदर्भ मुस्लिम इंटेलेक्चुअल फोरम के अध्यक्ष डॉ. शकील सत्तार ने प्रस्तावना रखी। पवार ने कहा कि कला, कविता, लेखन सहित साहित्य के विभिन्न क्षेत्र में मुस्लिम समाज और उर्दू भाषा का बड़ा योगदान है। मुस्लिमों के पास क्षमता और गुणवत्ता है, केवल समर्थन और समान अवसर की आवश्यकता है। मुझे विश्वास है कि मुस्लिम समुदाय की नई पीढ़ी सभी क्षेत्रों और सभी वर्गों में बड़े पैमाने पर योगदान देगी। फोरम की ओर से सरकारी भर्ती परीक्षा के लिए उर्दू को भाषा का माध्यम बनाने के लिए रखी गई मांग पर पवार ने कहा कि वे उर्दू स्कूलों के खिलाफ नहीं है और कहा कि उर्दू बहुत अच्छी जुबान है। समाज का एक वर्ग कई पीढ़ियों से उर्दू भाषा से जुड़ा है, इसकी उपेक्षा नहीं की जा सकती। हमें उर्दू स्कूलों और पर विचार करना चाहिए, लेकिन उर्दू के साथ हम उस राज्य की मुख्य भाषा को कैसे कर सकते हैं। पवार ने केरल का उदाहरण देते हुए कहा कि वहां अल्पसंख्यक महाराष्ट्र से अधिक हैं। केरल में कई वर्गों में अल्पसंख्यकों को उचित प्रतिनिधित्व मिला है। पवार ने कहा कि बेरोजगारी की समस्या केवल अल्पसंख्यकों में ही नहीं बल्कि समाज के सभी वर्ग इससे जूझ रहे हैं, लेकिन यह सच है कि अल्पसंख्यकों को रोजगार में उचित हिस्सेदारी नहीं मिल रही है। इसके लिए पहल किए जाने की जरूरत है। देखिए कि लिखती है तो 50 कैंडिडेट सिलेक्ट हुए तो 50 में अल्लाह जी के हिसाब पर माइनर चीज को वहाँ अफॉर्चून से मिली है, ऐसे देखने की स्थिति वहाँ लिखती नहीं है। और इससे कुछ ना कुछ दृष्टि करनी होगी, सोच बदलनी होगी। सिलेक्शन करने के जो लोग हैं इनके सोच में कैसे बदल जा सकते हैं, इसे हमें सोचना होगा और इससे रास्ता निकलना होगा। तीसरी बात है कि कुछ न कुछ बिजनेस आज महाराष्ट्र में देखे, देश में देखिए कि माइनर चीज अपना घर का कारोबार चलाती है। इसका मेन सोर्स कुछ न कुछ छोटे मोटे बिजनेस होते हैं, व्यवसाय होते हैं। और इसलिए ये क्षेत्र में फिनेंशियल इंस्टीट्यूशन ये और ये सोशल बिजनेस इनके रिश्ते कैसे जल्दी करा सकते हैं, वो कैसे ज्यादा प्रोफेशनल उनसे मिलेंगे जिससे बिजनेस करने में नौजवानों को कुछ न कुछ उम्मीद आएगी, इस पर ध्यान देने की आवश्यकता है। और इस हिसाब से हम कैसे आगे जा सकते हैं वो भी हम लोगों को सोचना होगा। आज इस देश में सच बताऊं तो आज की बात जब हम करते हैं तो आज चाहे आज हो, चाहे रायचंद हो, चाहे फुवेत हो, हमें सबसे ज्यादा इस देश में इन सेक्शन में कॉन्ट्रीब्यूशन करने की ताकत आज माइनर चीज में है, उर्दू लैंग्वेज में है, यह हमें देखना पड़ता है। महाराष्ट्र और मुंबई शहर दुनिया को लोग जानते हैं इसका हजूर, और ये हजूर जो आपके सामने आने के बाद हजूर में किसका सबसे ज्यादा कॉन्ट्रीब्यूशन आज इस क्षेत्र में आज को किससे ज्यादा जीवन पर लाने के लिए कोशिश की, ये सब चीजें हम हमारे सामने देखते हैं। इसका सबसे ज्यादा कॉन्ट्रीब्यूशन उसी माइनर चीज के हम नजरअंदाज नहीं कर सकते। और इसलिए यहाँ कैपेसिटी है, यहाँ क्वालिटी है, यहाँ सिर्फ एक तरह का सपोर्ट चाहिए, इक्वल अपॉर्चुनिटी चाहिए। और ये मिलेगी तो मुझे पूरा विश्वास है हर क्षेत्र में माइनर चीज और इसी लाइन पर हमें जाना होगा, इसी लाइन पर
हमें डिस्कस करना होगा, राजस्थानी करना होगा। आज कई इशू याद रखेंगे, मैं इनके जवाब आज के आज याद नहीं रख सकता हूँ, मगर ये इशूज इम्पोर्टेंट इशू है। इस इशूज के वजह वन टू वन हम लोगों को डिस्कशन करना पड़ेगा। जैसे मैंने यहाँ आने से पहले बताया, यहाँ जो हम बैठेंगे, यहाँ कुछ 25-30 समाज के लोग इंटेलेक्चुअल वह हमारे सामने बैठकर अपनी बातें करेंगे और इससे रास्ता क्या निकल सकता है इस बारे में सुझाव देते हैं। इस हेतु से आज मैं यहाँ आया था, मगर आप लोगों ने क्या एक बड़ी मीटिंग की, मीटिंग में डिस्कशन होता नहीं, मीटिंग में जो चाहे इसका रिजल्ट भी आता नहीं। इसीलिए मैंने जैसे शुरू में कहा कि अगले 2-3 हफ्ते में हो सकता है आप जाने से पहले हमारे पार्टी के यहाँ के अध्यक्ष मेरे साथ है, उनको मैं देश बताऊंगा और उस देश में आप लोगों के साथ मैं बैठकर डिस्कस करने के लिए तैयार है। कैमरा पर्सन राजकुमार मोहर के साथ क्षितिज देशमुख, BCN न्यूज, नागपुर।